हेलो जैन दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलटीएफ क्लासेस पर। सो करंट अफेयर सीरीज 2023 में आपका स्वागत है। आज डेट है 13 जून 2023। तो 13 जून के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और जो भी उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है इंग्लैंड, नेक्स्ट है भारत, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या ऑस्ट्रेलिया। तो अभी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, तो इसका उपविजेता कौन रहा है? तो भारत, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न। एंड यहाँ की करेंसी क्या है? मेल ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड यहाँ के पीएम कौन है? एंथनी अल्बनी। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भोपाल, नेक्स्ट है वाराणसी, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो अभी G20 की 3 दिवसीय बैठक, विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आलिया भट्ट, नेक्स्ट है अनुष्का शर्मा, नेक्स्ट है रश्मिका मदान, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? रश्मिका मदान। तो अभी एप्सन इंडिया का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एप्सन, एप्सन क्या है? एप्सन ये एक प्रिंटर की कंपनी है, एप्सन। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IATA ने के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है पीटर एलवर्स, नेक्स्ट है संजय स्वरूप, नेक्स्ट है चमन लाल, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है? पीटर्स एल्वर्स। तो अभी ITA के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ढिल्लो का निधन हुआ, ये कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है कलाकार, नेक्स्ट है अभिनेता, नेक्स्ट है राजनेता, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है? अभिनेता। तो ये मंगल ढिल्लो ये एक अभिनेता थे। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, नेक्स्ट है जापान, नेक्स्ट है UAE, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? ये ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या है? UAE। तो ये अभी वित्त वर्ष 2023 में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। एंड यहाँ की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। एंड यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल, नेक्स्ट है गुजरात, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है? मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। एंड यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगूबाई पटेल। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ प्रमुख जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा एंड संजय नेशनल पार्क हैं। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी के, तो कौन कौन है? ये है केरन, केरन काजी, ये है हाल ही में, के यहाँ पे लिखना होगा केरन, केरन काजी।
किरण काजी कौन सी कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने? तो पहला ऑप्शन है स्पेसएक्स, नेक्स्ट है नासा, नेक्स्ट है इसरो, तो यहाँ आई बनेगा इसरो। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या स्पेसएक्स। स्पेसएक्स के कंपनी के जो किरण काजी है ये सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, इनकी उम्र कितनी है 14 वर्ष, ये सबसे कम उम्र के। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जापान, एंड नेक्स्ट है भारत, एंड नेक्स्ट है जर्मनी, एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है भारत। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर अभी हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है, तो कितने से हराया? 2-1 से हराया इसको, 2-1 से हराया। और भारत हॉकी जूनियर एशिया कप पहली बार जीता है, और ये कितनी बार जीत चुका है? ये लगातार 4 बार जीत चुका है। तो ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? जापान में इसका आयोजन हुआ है, और ये 8वां संस्करण है, क्या 8वां, और कहाँ हुआ है इसका आयोजन? जापान में। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर, नेक्स्ट है आईआईटी गुवाहाटी, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने अभी सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रिकॉर्ड 2023वां पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन है आर्यन सबलेंका, नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच, नेक्स्ट है ईगा स्वीटेक, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या नोवाक जोकोविच। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में GEM किस राज्य में जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता कार्यशाला आयोजित की गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है उत्तराखंड, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी GEM जिला स्तरीय क्रेता विक्रेता कार्यशाला शुरू की गई या आयोजित हुई है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी किनारे। तो लखनऊ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, एंड गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। तो लखनऊ, वो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से? दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड पीलीभीत नेशनल पार्क। एंड यहाँ का राज्य की पशु वारहसिंगा, राज्य की पक्षी क्या क्लास, राज्य की वृक्ष क्या अशोक का वृक्ष। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में BSF का नया DG नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, नेक्स्ट है नितिन अग्रवाल, नेक्स्ट है प्रवीण सूद, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्या है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल को अभी BSF का नया DG नियुक्त किया गया है। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुसुईया उइके, नेक्स्ट है सुधीर सक्सेना, नेक्स्ट है अजय लांबा, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या अनुसुईया उइके। तो अनुसुईया उइके ये यहाँ के कौन है? ये यहाँ की गवर्नर है, कहाँ की? मणिपुर की। तो मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। एंड यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। एंड यहाँ के गवर्नर तो यही है अनुसुईया उइके। तो ये अजय, इन्होंने शांति को स्थापित करने के लिए समिति बनाई गई, और इसके ये अजय लांबा जांच समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, जांच समिति। सो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 जनवरी, नेक्स्ट है 12 जन, सॉरी ये जनवरी नहीं होगा, यहाँ जून होगा, एंड यहाँ भी जून होगा,
तो 11 जनवरी, तो इसका राइट एंड नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है 12 जून। 12 जून को अभी हाल ही में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो, टू स्टे कनेक्टेड टू अस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारे प्रश्नों की प्रैक्टिस चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल LTF क्लासेस करके उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर पर डे की करंट अफेयर की क्वेश्चन कराई जाती। सो जय एंड थैंक यू।